अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे मुगलानी चिकन। आप भी बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मुगलानी चिकन, जिसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 kg यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, मैंने मिक्स चिकन लिया है, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अब मैं 1 tablespoon डाल रही हूँ जी ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद 1/2 teaspoon में डाल रही हूँ नमक, और बस इसको मिक्स करके हम इसको मैरिनेट करेंगे। अंदर हम डाल लेते हैं, या तो आप 1 चम्मच सिरका डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच लीमू का रस डाल सकते हैं, लेमन का रस। तो मैं इसके अंदर लेमन का रस ऐड करूँगी। चिकन हमारा जो है ना वो मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद यहाँ पर दही लिया है, ठीक है, ये मैंने लिया है 1 कप, और टमाटो का पेस्ट लिया है, ये भी 1 कप है, ठीक है, 1 कटोरी तकरीबन भर लिया मैंने। और यहाँ पर आपने क्या करना है, काजू का पेस्ट बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर मिल्क डाल लें और उसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मसाला जाते हैं, जिनमें ये मैंने सूखा धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच कर सकते हैं, ठीक है, नमक 1 चम्मच, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी नमक यूज़ किया था। और उसके बाद यहाँ पर है कसूरी मेथी, यहाँ पर आपने ये 1 चम्मच लेनी है, ठीक है, कसूरी मेथी 1 चम्मच, और आप चाहें तो आप 1/2 चम्मच पहले ऐड कर दें, 1/2 बाद में ऐड कर दें। और ये है जी 1/2 teaspoon दालचीनी का पाउडर, ठीक है, और यहाँ पर 2 tablespoon ये है जी ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने घी गरम कर लिया है, तो इसके अंदर सबसे पहले जाएगा जी हमारा चॉप किया हुआ प्याज। अभी थोड़ा सा घी रहता है, ठीक है, मेल्ट होने वाला, लेकिन गरम हो चुका है घी, आप देख सकते हैं। इसको लाइट ब्राउन सा हमने करना है, ठीक है। इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज धनिया, उसका भी पेस्ट है, ठीक है। जब ब्राउन होने लगे तो साथ ही हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे अपना। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपना चिकन। इसको फ्राई कर लेंगे। जब चिकन अपना कलर चेंज कर चुके, अंदर हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, नमक। जब चिकन अपना कलर चेंज कर चुके, अंदर हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, नमक। इसके अंदर हम अपने बाकी के सारे मसाला जात जो हैं वो डाल देंगे। जब ये घी छोड़ने लगे तो इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ टमाटो का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट के बाद इसके अंदर आपने काजू का पेस्ट डाल देना है, ठीक है, जो आपने बनाया था। इसको मिक्स करके तो साथ ही हम दही भी डाल देंगे। यह देखिए, यह आ गया दही। अब यहाँ पर तकरीबन 1/2 glass पानी डालकर तो इसे हमने पकने देना है, ठीक है, पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1/2 glass पानी डाल के तो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देना है आपने, जब तक कि ग्रेवी नहीं बन जाती।
जनाब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी जो है वो बन चुकी है, ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। ऑयल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया था क्योंकि मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बनाया था, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक में बनाएं तो ऑयल कम यूज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनी है, ठीक है, और चिकन तो बहुत ही जूसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू इतनी ज़्यादा कि आपसे सब्र बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है, ज़रूर ट्राई करनी है। फिर मुझे बताना है कि आपका चिकन कैसा बना। मेरा तो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और अभी डिनर का टाइम होने लगा है, तो ये हम डिनर में खाएंगे। तो आप भी बताइएगा क्या आपने ये इसे ट्राई किया, इस रेसिपी को पहले कभी ट्राई किया या अब ट्राई किया, और अगर किया तो कैसे रिजल्ट्स थे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।